भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारतवर्ष सूफी संतों का देश रहा है, इस देश का अपना दर्शन है, अपनी संस्कृति है। सारा संसार हमारे देश को विश्व गुरु कहता है, सिर्फ इसलिए कि हमारी धरती पर विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों ने अवतार लिया और अपने विचारों से पूरे संसार को प्रकाशित किया। फिर वे चाहे महात्मा गांधी हो, संत कबीर हो, भगवान बुद्ध या स्वामी विवेकानंद हो, इनके ज्ञान वैभव से सारे विश्व में प्रकाश हुआ। सत्य, त्याग, बलिदान, शांति, आत्मकल्याण हमारे दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। संतों का मानना है कि ये संसार नश्वर है। अनेकों लोग रोज जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, कर्म करते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। जीवन की अपनी गति है, प्रकृति का अपना निश्चित क्रम। हवाओं का रुख बदलते ही बेजार दरख्तों में भी जान आ जाती है और आ जाती है गुलशन में बहार। लोग भूल जाते हैं अतीत के पन्नों पर लिखी हर इबारत को। कौन किसे याद करता है? कुछ ऐसी विभूतियां भी दुनिया में आती हैं जो अपने यश सौरभ से इस नश्वर जगत को आलोकित करती हैं, जो मानव कल्याण के लिए कृत संकल्प होते हैं, जिन्हें अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से प्रेम होता है, जिनकी प्रेरणा से वे समाज, देश, प्रदेश के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जो सदियों तक लोग याद करते हैं। शहर लखनऊ को देखिए, इसकी रफ्तार पर नजर डालें तो पता चल जाएगा कि शहर ने कितना लंबा सफर तय किया है। अनेक ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा केंद्र होने के साथ ही तमाम शख्सियतों को अपने आगोश में पनाह देना इसकी जमाने से फितरत रही है। किसी ने ठीक कहा है, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाए बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। इसी शहर के एक हिस्से में एक शख्स ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने शख्स से शख्सियत बनने का लंबा सफर तय किया है, जो मानव सेवा को ही अपना जीवन धर्म मानते हैं,
और गरीब मजलूमों की सेवा को ही सच्ची पूजा बताते हैं, जिन्हें लोग प्यार से डीपी बोरा के नाम से जानते हैं। डीपी बोरा जी सियासत के संत कहे जाते हैं, जो दो बार राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से विधायक चुने गए, अनेकों अनेक विभाग में निदेशक, यूनियन के अध्यक्ष, लखनऊ छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। उस समय भी बोरा जी समाज कल्याण का कार्य करते थे और आज भी सेवा अस्पताल के माध्यम से गरीबों मजलूमों की सेवा कर रहे हैं। राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले बोरा जी को इस बात को लेकर कभी तनाव नहीं रहा कि वे सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर। अपने परिश्रम और उद्यम से एकत्र संसाधन आज भी गरीबों और असहाय लोगों की सहायता के लिए पर्याप्त हैं। सेवा अस्पताल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की सेवा है। मैं 1966-67 के सेशन में लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया था। मैं उसके ठीक डेढ़ साल बाद 69 के 9 फरवरी को इलेक्ट हो गया था। बीकेडी होती थी उसमें। मैं सबसे अधिक प्रभावित तो हुआ हूँ चौधरी चरण सिंह जी से, उनकी ईमानदारी, नेक नीति, इंसानियत। चौधरी चरण सिंह जी बहुत ऑनेस्ट आदमी थे और विश्वविद्यालय से मुझे बुला करके उन्होंने टिकट दिया था और उसमें हम चारों सीटें जीते थे। सुबह की सैर के बाद बोरा जी अस्पताल में मरीजों का हाल जानने के लिए नित्य जाते हैं। मैं आपको एक हिस्टोरिकल चीज बताता हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है और अब शायद जो बात मैं बताने जा रहा हूँ न किसी यूनिवर्सिटी में हुई है और न होगी। स्टूडेंट मूवमेंट के ज़माने में यूपी में करीब 18 लड़के शहीद हो गए थे। जब यूनिवर्सिटी यूनियन के उद्घाटन का मामला आया तो हर यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे रिकॉर्ड निकाल के कि कोई ना कोई बड़ी डिग्निटी आती है यूनिवर्सिटी यूनियन का उद्घाटन करने। लेकिन बोरा जी ने, आप ये देखिए कि गरीबों से इनकी जो पकड़ है, गरीब के लिए इनके मन में जो दर्द है, उसका इनका स्टूडेंट लाइफ से ही झलकने लगा था। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का 1967 में उद्घाटन गोंडा में एक चपरासी थे, उनका लड़का शहीद हो गया था, उन्होंने किया। ये घटना ऐसी है जिसे कोई भूल नहीं सकता और न किसी यूनिवर्सिटी में आज तक किसी चपरासी ने यूनियन का उद्घाटन किया होगा। सच मानिए तो ये है कि गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए जब भी उनके हक हकूक के लिए, उनके हित के लिए, उनके अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी गई होगी और उसकी कोई लिस्ट बनेगी, कोई फेरिस बनेगी, अगर उसमें डीबी बोरा का नाम शामिल नहीं होगा तो वो लिस्ट, वो सूची इनकम्प्लीट होगी। अतीत के पन्नों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है इस सियासी संत का जन्म 7 अक्टूबर 1940 को वीरभूमि पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय हरनंद राय बोरा जी एक संभ्रांत सामाजिक सफल व्यवसायी थे। इनका दुबराजपुर बंगाल में बीड़ी का बहुत बड़ा कारखाना था। बंगाल में इन्हें डंगाल का राजा कहा जाता था। आपकी माता जी स्वर्गीय भगवती देवी बोरा जी कुशल गृहिणी होने के साथ साथ पति के साथ व्यवसाय में पूरा सहयोग देती थीं। बोरा जी 6 वर्ष के थे जब इनके ऊपर से पिता का साया उठ गया। तब इनकी माता जी ने ही पूरे व्यवसाय को संभाला और परिवार की देखरेख की। बाद में इनके ताऊजी स्वर्गीय गणपत राय बोरा इन्हें सपरिवार शोहरतगढ़ ले आए, जो वर्तमान जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की तहसील है। नेपाल सीमा से सटे इस तराईचल को गौतम बुद्ध की धरती भी कहते हैं और थोड़ी दूर पर ही संत कबीर नगर है, जो संत कबीर की कर्मस्थली है।
बचपन से ही बोरा जी के मन मस्तिष्क पर तथागत एवं संत कबीर के कृतित्व का गहरा प्रभाव पड़ा, जो आगे चलकर मानव सेवा के रूप में इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व में उभर कर सामने आ गया। बोरा जी कभी पानी की समस्या आ गई शहर में, उसके लिए भी ये अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाते थे। किसी का झोपड़ी झुंगी वालों की बात आ गई तो उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। इसी की देन है कि आज मोहन मेकिंग के पास जो वाल्मीकियों की कॉलोनी है, जो केवटो मल्लाहों की कॉलोनी है, यह सब बोरा जी की देन है। गर्मियों के मौसम में उन्होंने घड़ा फोड़ आंदोलन चलाया, उसकी वजह से उनको दिक्कतें भी हुईं, परेशानियां भी हुईं। और जाहिर बात है कि जब आंदोलन चलाया और हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चलाया तो फिर लाठीचार्ज भी हुआ, उनके सर भी फटे। दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए और पब्लिक के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए हैं, और वो अपनी जान पर खेल करके उन आंदोलनों में शरीक भी हुए हैं। ये वो मदरसा है जहां चौथी जमात तक बोरा जी की तालीम हुई। इसके दरो दीवार में बोरा जी के बचपन की यादें, शरारतें, सदाएं कैद हैं। तालीम की शुरुआत अली बे ते से हुई, जिसका असर ये रहा कि बोरा जी जहनी तौर पर सेकुलर सोच के हो गए। मदरसा नूरुल लतीफ, सौरभगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर। ये तो बहुत पुराना है। अच्छा। ये बाद में बना हुआ है, 85 साल। डीपी बोरा जी जी इसमें पढ़ते थे। उर्दू जैसी मीठी जबान ने जहां इनके अल्फाजों में मिश्री घोली, वहीं इखलाक़ में मिठास भर दी, जो आगे चलकर बोरा जी की पूंजी बन गई। जातवाद नाम की कोई चीज नहीं, गरीबों से जरूरत से ज्यादा हमदर्दी और सभी कौमों को एक साथ लेकर चलना, सभी को प्यार मोहब्बत से सबको गले लगाना, और ऊंच नीच छोटा बड़ा हिंदू मुसलमान इस तरह की इनमें कोई भी कहीं भी झलक झलकती ही नहीं। इस देश में मेरी है बस इतनी सी पहचान, हिंदू है मेरा दिल, मुस्लिम है मेरी जान। यहाँ 1970 में सिया सुन्नी बहुत बड़ी थी, एक हंगामा और एक बड़ा शोर गोल फसाद बरपा हुआ था। उस जमाने में बहुत उन्होंने अहम अपनी जिम्मेदारी निभाई और हिंदू सिया सुन्नी इतिहाद में बहुत ही सरगर्मी दिखाई उन्होंने। और उस जमाने में अब्दुल्ला बुखारी, जनता पार्टी का ज़माना था, अब्दुल्ला बुखारी आए हुए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और उनकी वजह से हालात बहुत ही मामूल पे आए और खासे गाली की फिजा हमवार हुई। हालांकि बोरा जी हम हैं भाई, मैं आपके आगे पीछे हूं, हम आइए हमारे साथ, अरे आप चलो मिलवा दीजिए। ये शिवपत इंटर कॉलेज शोहरतगढ़ है जहां बोरा जी ने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। किशोरावस्था की कशमकश और भविष्य की उहापोह को इसी प्रांगण में बोरा जी ने जिया। कुशाग्र बुद्धि के धनी बोरा जी अपने गुरुजनों के मध्य काफी लोकप्रिय रहे। बोरा साहब हमारे संस्था को बहुत गौरवान्वित किए, यहाँ के वो प्राक्तन छात्र है, यहाँ से लखनऊ गए, वहाँ भी उन्होंने इस जनपद का और इस विद्यालय का नाम रोशन किया, और सबसे कम उम्र में हमारे कॉलेज का कोई स्टूडेंट अगर विधायक बना तो वो डीपी बोरा साहब। मेरे वो सहपाठी थे, 1955 से लेकर 1957 तक हम लोग एक साथ रहे, एक साथ खेले, एक साथ लगभग बच्चे थे। उनके अंदर नेतृत्व के भी छात्र जीवन से ही मौजूद थे। हिंदुस्तान का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां घर वालों के विरोध करने के बाद भी बोरा जी ने अपने मेरिट के बल पर
उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश किया। यहां से उन्होंने स्नातक और राजनीति शास्त्र में एमए किया। जब वे एलएलबी करने लखनऊ आए तो छात्रों ने इन्हें अपना नेता चुन लिया। मेरे मन में बात बैठ गई, उसकी बात मुझे समझ में आई। सब साथियों को किसी तरह से तैयार किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में इसके चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उस साल चुनाव ये जीत नहीं पाए। 1964 में फिर लड़े, फिर इनको लड़ाया चुनाव हम लोगों ने और ये चुनाव जीते। लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। इस आदमी का, इस लड़के का, उस समय तो हम लोग सब लड़के थे, आज हम आदमी हैं, आज बुढ़े हैं, लेकिन उस समय हम लड़के थे। उस लड़के के अंदर मुझे एक उत्साह, एक लगन, एक कर्मठता, मेहनत करने की क्षमता दिखाई दी, सामाजिकता उसके अंदर मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी के साथ साथ इन्होंने समाजशास्त्र एवं इतिहास विषय से भी एमए किया। पहले राजनीति करने वाले लोग पढ़ने लिखने वाले होते थे। मैं जब 26 साल की उम्र में एमएलए हुआ तो उस जमाने में आई वॉज द यंगेस्ट एमएलए इन हाउस विद ट्रिपल एमए लॉ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एमए था और लॉ। बोरा जी का मेरा परिचय उस समय हुआ जब ये छात्र राजनीति करते थे और लखनऊ जैसे बड़े विश्वविद्यालय के, महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के, जिसका शंकर दयाल शर्मा जी जैसे लोगों से संबंध था, उसके ये अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद भी इनकी राजनीतिक यात्रा धीमी नहीं पड़ी बल्कि और तेज चली। ये विधायक भी बने और उस समय इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया सरकारों के गठन में, सरकारों को चलाने में। बहुत ही योग्य, प्रतिभाशाली संसदीय जीवन का रहा है। विधानसभा के अंदर इन्होंने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, छात्रों की, नौजवानों की, उन सभी पीड़ितों की आवाज़ दृढ़तापूर्वक उठाई जिनकी आवाज़ उठाने वाला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर बोरा जी का सारा जीवन गरीबों की आवाज़ को उठाते हुए बीता है। उनका सारा जीवन छात्रों के हित में, नौजवानों के हित में, गरीब पिछड़े तबकों के लिए बीता है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित कर दें। डीपी बोरा उन्हीं में से एक हैं। 1966 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। धीरे धीरे डीपी बोरा जी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक मजबूत जनाधार वाले छात्र नेता और जनसेवक के रूप में उभरने लगे। घंटों अपने अजीज दोस्त एजेड रहमान साहब के साथ आंदोलन की रणनीति यहीं पर बनती थी। उस वक्त विद्यार्थियों की डिमांड को लेकर वाइस चांसलर से मांग की गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसा होता है आमतौर से कि हड़ताल हो गई। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी 6 महीने के लिए बंद रही। और जब ये डर लगा कि यूनिवर्सिटी में 0 ईयर्स ना हो जाए तो बोरा जी ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। आपका विवाह 8 मई 1960 को गोंडा जिले के रानी बाजार बड़गांव के एक परिवार स्वर्गीय राम जीवन मित्तल एवं श्रीमती दुर्गा देवी की ज्येष्ठ पुत्री श्रीमती सुशीला देवी से संपन्न हुआ। बोरा जी के सकारात्मक संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाने में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक लगता था, मुझे तो राजनीति कर रहे हैं तो जाना तो हो गई। फिर हम तो अपने बच्चों के साथ परिवार में रहते थे और सास थे, जेठ थे और सब बहुत अच्छा परिवार था हमारा, हमको कोई परेशानी होती नहीं थी। घर परिवार की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर इनको जन सेवा के लिए हमेशा आजाद किया। धार्मिक संस्कारों से प्रेरित सुशीला देवी ने पूरे परिवार का भरण पोषण ठीक से किया। श्री डीपी बोरा लखनऊ के बहुत ही पुराने बाशिंदे ही नहीं है बल्कि युवा राजनीति से लेकर आज तक उन्होंने समाज में राजनीतिक भूमिका के साथ साथ सामाजिक भूमिका का भी
बहुत अच्छा निर्वाहन किया है। 1969 में लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से भारतीय क्रांति दल के मुखिया चौधरी चरण सिंह ने बोरा जी को बुलाकर टिकट दिया और बोरा जी भारी बहुमत से जीते। उस समय विधायक निधि नहीं होती थी, वेतन भी 300 से ज्यादा नहीं था। मैंने महसूस किया कि डीपी बोरा साहब एक बहुत ही अजीम शख्सियत है और गरीबों के प्रति बड़ा हमदर्द है। आपने 17 मलिन बस्तियों को बसाया, पानी, बिजली, सड़क की समस्याओं का समाधान किया। गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, जब भी उनके हक हुकूक के लिए, उनके हित के लिए, उनके अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी गई होगी और उसकी कोई लिस्ट बनेगी, कोई फेरिस्त बनेगी, अगर उसमें डीबी बोरा का नाम शामिल नहीं होगा तो वो लिस्ट, वो सूची इनकम्प्लीट होगी। आज आप देखते हैं बहुत भीमराव बाबा अम्बेडकर जी का नाम लिया जाता है, बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से बाबा साहब पे काम हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है क्या, आज से 15-20 साल पहले इन्हीं डीपी बोरा ने बाबा साहब के नाम से गरीबों की एक बस्ती बसाई। ये कोई कम मामूली बात नहीं है। जो आदमी 20 साल पहले जिस चीज़ को देख रहा है उस आदमी को आप कम करके नहीं मान सकते। और यही वजह है कि बहुत सालों से ये ना पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ना असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन सियासत हो, राजनीति हो या अवामी जिंदगी हो, इसमें डीपी बोरा की पहचान रोज अव्वल की तरह आज भी मौजूद है। आदमी विश्वास बनकर जीता है, आदमी उच्छ्वास बनकर जीता है, वक्त कमजोर करता है मगर आदमी इतिहास बनकर जीता है। मैंने नज़दीक से उनको देखा है, उनमें समाज सेवा की हमेशा एक भावना रहती है, तड़प रहती है, खासतौर से गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, जिस समर्पण की भावना से वो काम करते हैं। प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को उनसे सीख लेनी चाहिए कि राजनीति में प्रवेश करने के पहले समाज में कैसे कार्य किया जाता है, किस तरह से समाज की सेवा की जाती है, गरीबों की सेवा की जाती है। पिता के चरित्र का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। पंकज जी बोरा जी के शिक्षण संस्थानों का संचालन करते हैं और साथ ही समाज सेवा भी। हम अपने माता पिताजी को भगवान के समान मानते हैं। पिताजी का एक बड़ा सामाजिक दायरा है, राजनीति उनकी प्राथमिकता है। हम सब लोग मिलके उनके राजनीतिक आंदोलनों में, संघर्षों में पूरा परिवार साथ है और अपने स्तर से भी जो हम समाज को सहयोग कर सकते हैं, गरीब को मदद कर सकते हैं, वो करते रहते हैं। पिताजी ने जीविकोपार्जन के लिए जो व्यापार बनाया है उसे भी हम सब लोग मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। उनका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे, भगवान उनको दीर्घायु करे, यही कामना है और उनका आशीर्वाद बना रहे। हम लोगों को प्रगति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहें। दूसरे पुत्र डॉक्टर नीरज बोरा, आप बोरा जी के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, साथ ही सेवा अस्पताल के प्रबंधन का कार्य भी देख रहे हैं। मेरे पूज्य पिताश्री ने मुझे एक चिकित्सक के रूप में देखना पसंद किया, इसलिए मैंने उनकी आशाओं के अनुरूप एक चिकित्सक बनने का फैसला किया। उसके बाद उनकी आशाओं के अनुरूप एक चिकित्सालय जो उनके आशीर्वाद से निर्माण हुआ, सेवा अस्पताल के नाम से, उसको संचालित करने का काम किया। और मेरे पिताजी की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि उनके राजनीतिक विरासत को कोई उनका पुत्र संभाले, इसलिए वो चाहते थे कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊं और उन्होंने, उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने लखनऊ पश्चिम विधानसभा का चुनाव 2007 में लड़ा। बहुत प्यारी है मम्मी मेरी, हर दिल अजीज है पापा मेरे, फूल सा कोमल दिल है इनका, रखते हैं बात हमारे मन की। पापा ने कभी अपने बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया, बराबर हर सुविधा दी, जितनी हो सकी उससे ज़्यादा ही दी, बहुत ही अच्छा एक पूरा जीवन दिया। आप
Grandparents have been a role model for us and they have been very loving and affectionate towards their grandchildren. Babaji, you are the best Babaji in the world. You've been very caring and very understanding. I love my grandfather. Whatever I am today is just because of him. Because of his blessing, wherever I've reached today, wherever I'm studying, Mayo, it's just because of him. Whenever in need, he's always there by my side. He's always helped me in my ups and downs. I just love him. I love my grandfather a lot. He really means a lot to me. Whenever I sit next to him, he inspires me a lot. Babaji bhagwan ki tarah hai, wo hamari bahut chinta karte hain. Wo mujhe bahut acche lagte hain. Main bada hoke unka naam roshan karunga. Mera naam Kanha hai. Mere nana ji bahut acche hain. Bahut discipline chahte hain, jaise ki subah jaldi uthna aur adults walk kare aur exercise kare aur bacche khoob khele koode. Mujhe khushi hai कि डीपी बोरा साहब शुभकामनाएँ बधाई और स्वस्थ रहें संपन्न रहें यही सबसे कामना है। हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए फिर न जाने हमको हवाएं कहाँ ले जाएं राह में चिंगारी लिए बैठे हैं जो भी चाहे अपने दिए जला ले जाएं।